साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है जो किसी तरह के टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर या फिर इंटरनेट का यूज करके किया जाता है। अगर आपके साथ कोई ऑनलाइन फ्रॉड होता है, जैसे कि फाइनेंशियल फ्रॉड, अगर कोई आपके बैंक से पैसे उड़ा देता है या फिर डेबिट क्रेडिट कार्ड को क्लोन करके कहीं पर पेमेंट करता है, इसके अलावा अगर कोई जॉब को लेकर आपके साथ किसी तरह का फ्रॉड करता है, आपकी पर्सनल प्राइवेट फोटोज कहीं पर पब्लिक कर देता है या फिर आपको किसी तरह की ऑनलाइन धमकी दी जा रही है, इसके अलावा अगर कोई आपके नाम से किसी तरह का फेक अकाउंट चला रहा है, तो ये सभी क्राइम साइबर क्राइम की कैटेगरी में आते हैं। अगर आपके साथ कोई साइबर क्राइम होता है तो आप इसकी रिपोर्ट बिना पुलिस स्टेशन जाए घर बैठे ही साइबर क्राइम के पोर्टल से कर सकते हैं। तो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन, मैं हूं प्रिंस और आज की वीडियो में हम साइबर क्राइम पोर्टल पर कंप्लेंट फाइल करने का कंप्लीट प्रोसेस देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। किसी भी साइबर क्राइम की रिपोर्ट करने के लिए आपको एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। यहाँ पर सर्च करना है साइबर क्राइम। आपको यहाँ पर फर्स्ट वेबसाइट मिल जाएगी, cybercrime.gov.in। आपको इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर एक हेल्पलाइन नंबर मिल जाता है। अगर आपके साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है और आपको इमिडिएटली रिपोर्ट करनी है, तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं कि किस तरह से आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड किए जा सकते हैं। आपको यहाँ पर कुछ ऑडियोज दी गई हैं। आप यहाँ व्यू मोर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने सभी एग्जांपल्स आ जाएंगे कि किस तरह से आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड किया जा सकता है। आप यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेज में इनको सुन सकते हैं। आप इसको प्ले करेंगे। उसमें लिखा था मैंने 5 दिन का हॉलीडे जीता है। इस तरह से आप इसको इंग्लिश में भी सुन सकते हैं। लेट्स गो शॉपिंग एंड गोइंग ऑन अ हॉलीडे। अगर आप दूसरी ऑडियो प्ले करते हैं, तुम कुछ बस कर रही हो, मेरे नाम से किसी ने फेसबुक पेज बनाकर उस पर अश्लील चीजें पोस्ट कर रहा है। पेज पर उसने हमारी फोटो। सर, मैं बैंक से बात कर रहा हूँ, आपका कार्ड ब्लॉक हो गया। शिखा सर अंदर बैठी है, खाना पीना छोड़कर कोई उसे ऑनलाइन गलत सलत मैसेजेस भेजता है। आई कांट बिलीव, इन सभी ऑडियोज को आप यहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं और पब्लिक को जागरूक करने के लिए इनको शेयर भी कर सकते हैं। इस पोर्टल पर आपको यहां पर कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि अगर किसी वुमेन या फिर बच्चे के साथ किसी तरह का क्राइम हुआ है, तो आप यहां पर बिना अपना नाम बताए उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहां रिपोर्ट अदर साइबर क्राइम का एक ऑप्शन मिल जाता है। आप यहां से अपनी कंप्लेन को ट्रैक भी कर सकते हैं। आप यहां रिपोर्ट अदर साइबर क्राइम पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। आप यहां पर देख सकते हैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। इसके अलावा आपको यहां पर बताया गया है इन केस ऑफ इमरजेंसी, किसी इमरजेंसी केस में जो कि साइबर क्राइम में नहीं आता, उसके लिए आपको अपनी लोकल पुलिस से कॉन्टेक्ट करना होगा, पर आप सिर्फ साइबर क्राइम की ही रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। आपको यहां दो ऑप्शन मिल जाते हैं, फाइल अ कंप्लेन और लर्न अबाउट साइबर क्राइम। आप लर्न अबाउट साइबर क्राइम पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं कौन कौन से क्राइम साइबर क्राइम में आते हैं, जैसे कि साइबर बुलिंग, किसी को ऑनलाइन हरेस करना, किसी तरह की धमकी देना किसी कंप्यूटर, मोबाइल फोन या लैपटॉप से, ये साइबर बुलिंग में आता है। इसी तरह आपको यहाँ पर सभी कैटेगरीज मिल जाती हैं। आप इनको देख सकते हैं कि कौन कौन से क्राइम साइबर क्राइम्स की कैटेगरी में आते हैं। आप यहाँ पर बैक करेंगे। अगर आपको कोई कंप्लेन फाइल करनी है तो आप फाइल अ कंप्लेन पर क्लिक करें। आपको यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जो भी आप यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज करने वाले हैं वो हर तरह से सही हो, अगर वो गलत पाई जाती है तो उसके लिए लायबल आप खुद होंगे। आप यहां पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अगर आप इस पोर्टल पर न्यू यूजर हैं तो आपको यहां पर खुद को रजिस्टर करना होगा। खुद को रजिस्टर करने के लिए आप यहां क्लिक हियर पर क्लिक करें। आपके सामने रजिस्ट्रेशन के लिए पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहां से अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। आपको यहां अपनी लॉगिन आईडी टाइप करनी है। आप अपना मेल एड्रेस यहां पर टाइप कर सकते हैं, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है वो आप यहां पर टाइप कर दें। इसके बाद आपको यहां पर अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है, फिर गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी को
आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद आप ये वाला कैप्चा यहाँ पर फिल करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल की कंप्लीट डिटेल्स ऐड करनी है। आपकी लॉगिन आईडी यहाँ पर आ जाएगी। आपको यहाँ से टाइटल चूज करना है, मिस्टर मिसेज डॉक्टर श्री जो भी आप हैं आप उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लें। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना कंप्लीट नेम टाइप करना है। आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर आ जाएगा। आपको कैलेंडर से अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी टाइप करेंगे। यहाँ पर अपने फादर मदर का नेम टाइप करेंगे। इसके बाद नीचे आपको यहाँ अपना प्रेजेंट एड्रेस टाइप कर देना है। फिर आपको यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। आपकी प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर इंसिडेंट की डिटेल्स ऐड करनी है कि आपके साथ हुआ क्या है। आपको यहाँ कैटेगरी का एक टैब मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। आपके सामने कैटेगरी की एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। आपके साथ जिस भी तरह का क्राइम हुआ है आप उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि आपके साथ कोई ऑनलाइन या फिर सोशल मीडिया से रिलेटेड क्राइम हुआ है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके साथ कोई ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। आपके सिस्टम को हैक या फिर डैमेज किया गया है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। आपके साथ जिस भी तरह का क्राइम हुआ है उसकी कैटेगरी आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। फिर नीचे आपको सब कैटेगरी को सेलेक्ट करना है। जैसे कि अगर आपकी किसी ने प्रोफाइल हैक कर ली है या फिर आपकी आइडेंटिटी चुरा ली है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके साथ कोई ऑनलाइन जॉब फ्रॉड हुआ है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर इंसिडेंट की डेट को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर इंसिडेंट का टाइम आ जाएगा। अगर आपको रिपोर्ट करने में टाइम लगा है यानी कि आप रिपोर्ट देरी से कर रहे हैं तो आप इसको यस करेंगे और यहाँ पर आप एक रीजन देंगे आपने रिपोर्टिंग के लिए डिले क्यों किया। लेकिन अगर आप टाइम से रिपोर्ट कर रहे हैं तो आप इसको नो करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर इंसिडेंट ऑक्योर को सेलेक्ट करना है। आपके साथ ये इंसिडेंट कहाँ पर हुआ है, ईमेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, किसी और वेबसाइट पर या फिर किसी और जगह, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इंसिडेंट का प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर उसकी डिटेल्स फिल कर देनी है। जैसे कि आपको किसी ने व्हाट्सएप पर किसी तरह का मैसेज सेंड किया है जो कि ऐसा मैसेज है जिससे आपको किसी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर हो गई है तो आप उस व्हाट्सएप नंबर को यहाँ पर टाइप करेंगे। इसके साथ आपके पास जो भी एविडेंसेज हैं जैसे कि कोई ऑडियो फाइल, कोई फोटो या फिर वीडियो फाइल, वो आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने के बाद आप ऐड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने डॉक्यूमेंट आ जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ पर और भी डॉक्यूमेंट्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे आप इंसिडेंट से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन टाइप करेंगे कि आपके साथ क्या हुआ है और कैसे हुआ है। आप सभी चीजें टाइप करने के बाद सेव एज ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ सस्पेक्ट की डिटेल्स ऐड करनी है। जिस पर भी आपको शक है उसकी डिटेल्स आप यहाँ पर टाइप करेंगे। आप सस्पेक्ट का नेम टाइप करेंगे। इसके बाद उसके एक आईडी सेलेक्ट कर लेंगे। अगर उसका बैंक अकाउंट नंबर पता है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, ईमेल आईडी, आपको जो भी पता है आप उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर उसकी डिटेल्स ऐड करेंगे। फिर ऐड पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अगर सस्पेक्ट एक से ज्यादा है तो आप यहाँ दूसरे सस्पेक्ट का नेम टाइप करेंगे, उसकी आईडी सेलेक्ट करेंगे, आईडी की डिटेल ऐड करेंगे, फिर ऐड पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास सस्पेक्ट की कोई फोटो है तो आप यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके उसको अपलोड कर देंगे। अगर आपको सस्पेक्ट का एड्रेस भी पता है तो आप इसको यस करेंगे, उसका एड्रेस टाइप करेंगे। अगर आपको एड्रेस नहीं पता तो इसको नो करेंगे, फिर सेव पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ विक्टिम की डिटेल्स ऐड करनी है। उसका कोई भी आईडी प्रूफ आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। नीचे आपको यहाँ उसका एड्रेस टाइप करना है, फिर सेव पर क्लिक करना है। आपके सामने आपकी रिपोर्ट का प्रीव्यू आ जाएगा। आप इसको एक बार चेक कर लें, फिर आई एग्री पर क्लिक करें और कन्फर्म एंड सबमिट पर क्लिक करें। आपकी रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी। इसके साथ आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट हो जाएगा। ये आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भी सेंड कर दिया जाएगा। आप यहाँ पर अपनी रिपोर्ट की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग आपका जो भी पुलिस स्टेशन लगता है उस पुलिस स्टेशन में आपकी रिपोर्ट को भेज दिया जाएगा। जिसके बाद आपके पुलिस स्टेशन से एक ऑफिसर आपके केस को इन्वेस्टिगेट करेगा। जो भी ऑफिसर आपके केस को इन्वेस्टिगेट करेगा उसका नाम और मोबाइल नंबर आपके मोबाइल पर सेंड कर दिया जाता है। अब यहाँ पर अपनी कंप्लेन का स्टेटस जानने के लिए आप यहाँ ट्रैक योर कंप्लेन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर टाइप करना है, फिर गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। आपके पास एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर टाइप करके सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी कंप्लेन का स्टेटस आ जाएगा। तो गाइस, अगर आपके साथ कोई साइबर क्राइम होता है तो आप घर बैठे ही इस तरह से ऑनलाइन उस क्राइम की कंप्लेन कर सकते हैं, जिसके बाद आपके लोकल पुलिस स्टेशन से आपकी पूरी तरह से सहायता की जाएगी। ये थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।